हेलो एंड वेलकम टू निम्बस आईएएस। तो आज के एडिटोरियल एंड ओपिनियन एनालिसिस में आपका स्वागत है एंड माई सेल्फ शुभाशीष रेहाल। आज हम तीन टॉपिक्स करने वाले हैं। सो दिस वाज एन ओपिनियन जो आपका केयर इकोनॉमी के ऊपर आया था, तो मैं इस पे ज़्यादा फोकस दूंगा केयर इकोनॉमी के ऊपर। गेटिंग सीरियस अबाउट केयर इकोनॉमी, कहीं ना कहीं ये जेंडर के परस्पेक्टिव पे भी बात कर रहे हैं, देखेंगे कैसे। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। केयर इकोनॉमी पहले भी आया है और बात कर रहे हैं कि केयर इकोनॉमी कैन क्रिएट इनफ जॉब्स और 300 मिलियन जॉब्स फॉर द वुमेन, ठीक है। तो उसमें काफी स्कोप है और कैसे केयर इकोनॉमी और गिग इकोनॉमी को जोड़ सकते हैं। गिग इकोनॉमी, जस्ट इन केस इफ यू डोंट नो, तो गिग इकोनॉमी आजकल ये उबर वगैरह जो चल रहा है ना सारा, तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे कि भाई आपने आपको काम चाहिए ये लो और आपको हम काम दे देंगे, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से पैसे मिल जाएंगे, आपको फुल टाइम एम्प्लॉयड रहने की जरूरत नहीं है, तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो गिग इकोनॉमी एंड केयर इकोनॉमी की बात हो रही थी। एनीवेज, सो ये है, इसको हम देखेंगे। देन दिस आर्टिकल, दिस इज एन एडिटोरियल, आरबीआई इज न्यू मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड्स। क्रिटिक है एकदम, ठीक है, आरबीआई की बहुत तारीफ नहीं करी है वहां पे। तो इट इज आरबीआई इज न्यू मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड, उसी के बारे में। पर हाँ, हमें ये पता लगता है कि अब उनका नया पॉलिसी स्टैंड क्या होगा, तो उसी को एक ओवरव्यू के फॉर्म में विल कवर इट। नेक्स्ट इज सेंसिटिव सब्जेक्ट शुड बी डिस्कस्ड। आज ना मंडे को ना एक एडुकेशन प्लस, एडुकेशन करके एक सेक्शन आता है, उसमें ओपिनियन था। तो आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन वॉट वॉज देयर इन द कंटेंट, पर ये मेरे को हेडलाइन बड़ी अच्छी लगी GS4 के पॉइंट ऑफ व्यू से। GS4 में आपको जो पहला चैप्टर है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, तो उसकी जो एंडिंग वाला जो यू नो टेल जिसको कह सकते हो, तो उसमें बोल रहा है कि द रोल ऑफ स्कूल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इनकलकेटिंग द राइट वैल्यूज, हम इसको और उसको कोरिलेट कर सकते हैं वहां पे। तो इसीलिए मैंने ये आज उठाया इसको। सो लेट अस डू द केयर इकोनॉमी वन। So getting serious about supporting the care economy. Now first of all, what is a care economy? Care economy का क्या मतलब होता है? Economy जो care करती है, या फिर ऐसे ऐसे नहीं, economy जो जो लोग care workers है, जो लोग लोगों की help करते हैं, जिसे जिसपे बाकी लोग dependent होते हैं, जैसे कि आपका health care हो गया, सबसे अच्छा example है health care। Health care के अंदर आपके doctors हो गए, ठीक है, नर्सिंग स्टाफ हो गई, जो ओल्ड स्पेशली जो एल्डरलीज होते हैं उनके लिए सपोर्ट के लिए भी आजकल बुला लेते हैं, राइट। तो ये एक हो गया। देन हाउ अबाउट द डोमेस्टिक हेल्प, जो डोमेस्टिक हेल्प आपके घर में आती है काम करने के लिए, वो भी आपको केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, सब साफ सफाई करना सारा कुछ, ठीक है। तो डोमेस्टिक हेल्प इज एन एग्जाम्पल ऑफ केयर इकोनॉमी। पर एक चीज, हम कॉफी, ये तो पेड हो गए ना, ये सारे पेड है, पर एक अनपेड वर्क की भी कैटेगरी आती है। हमारे घर में जो वाइफ है, हमारे घर में जो वुमेन है बेसिकली, ठीक है, जो मर्जी हो वुमेन का, जो मर्जी स्टेटस हो घर के अंदर, चाहे माँ का हो, वाइफ का हो, बहन का हो, किसी का भी हो, वो भी घर में काम करते हैं, वो हमारी केयर करते हैं। वी एक्सपेक्ट हमारे जो पैट्रियार्कल सोसाइटी, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू केयर, केयर फॉर द चिल्ड्रेन, केयर फॉर द एल्डरलीज फैमिलीज। शादी होने के बाद भी इन लॉज उनका ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू डॉटर इन लॉ, एज कम्पेयर टू द सन, ठीक है। तो ये एक अनपेड वर्क की कैटेगरी में आ जाता है। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, आपको GS1 में एक क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी अबाउट द डबल बर्डन ऑफ अ मिडिल क्लास वर्किंग वुमेन। डबल बर्डन कैसे, मिडिल क्लास में सबको काम करना पड़ता है, सब जॉब करते हैं वहां पे मिडिल क्लास में, तो हस्बैंड वाइफ दोनों को, इन्फ्लेशन इतनी बढ़ रखी है, अभी देखेंगे इन्फ्लेशन की बात होने वाली है यहाँ पे, तो इन्फ्लेशन इतनी बढ़ रखी है, ऑब्वियसली दोनों को काम करना पड़ेगा। लेकिन जब घर आते हैं तो हस्बैंड वॉचेस टीवी या जो भी है, एंड वाइफ अपना किचन में खाना बनाना शुरू, वाइफ मदर जो भी है जैसे मर्जी है, खाना बनाना शुरू, फिर वो शाम का खाना, इसका खाना, उसका खाना, सफाई हुई है नहीं हुई है, सो देयर इज अ डबल बर्डन। डबल बर्डन इन द सेंस केयर, केयर इकोनॉमी, एंड द अदर थिंग इज जो वर्क, फॉर्मल जो एम्प्लॉयमेंट करते हैं वो। तो ये इस पे क्वेश्चन आया था सोशल इश्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से GS1 में।
चलिए तो अब केयर इकोनॉमी को और आगे देख लेते हैं। तो केयर इकोनॉमी का बात कर रहे हैं, आर्टिकल बोलता है कि 300 मिलियन जॉब्स ग्लोबली क्रिएट हो सकती है यहाँ पे, और ये जो जॉब्स होंगी इसमें फीमेल वर्कर्स है, हेल्थ केयर हो, डोमेस्टिक हो, फीमेल वर्कर्स है उनको ज्यादा इंसेंटिवाइज करता है, ठीक है, तो उनके लिए ज्यादा प्रेफरेबल है अकॉर्डिंग टू देम। तो इससे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ेगा। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द गोल्स ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सो गोल नंबर 8 जो कहता है प्रमोट सस्टेन्ड एंड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल। ठीक है, तो ये इन्होंने बता दिया ये काम है यहाँ पे। अब केयर इकोनॉमी में जब हम बात करते हैं, केयर इकोनॉमी में दो तरह के केयर इकोनॉमी हो गई, एक हो गया जो पेड वर्क है, एक हो गया जो पेड है, और दूसरा हो गया जो अनपेड है। अनपेड आप समझ गए हो, पेड भी आप समझ गए हो। अब पेड में भी एक हो गया जो डॉक्टर वगैरह, वो तो मजे ही है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द अदर्स इनकम वगैरह थोड़ा ठीक होता है, अच्छा होता है। तो ये अच्छा नर्सिंग भी हो गया, एटलीस्ट बेटर कंडीशन तो है, वर्क का सैलरी पक्का कम होगी बट स्टिल हैज मच बेटर देन अदर्स। तो एक हो गया पेड जो बेटर ऑफ है, और पेड में मतलब मैं बोल रहा हूँ कि दो क्लासिफिकेशन है, वन हुआ बेटर ऑफ एंड अदर्स जैसे कि डोमेस्टिक हेल्प है ना। तो डोमेस्टिक हेल्प के जो सिचुएशन होती है अच्छी नहीं होती, हमें पता है उनको, उनके दे टेंड टू गेट एक्सप्लॉयटेड, उनके जो एबिलिटी टू बार्गेन अ गुड रेट वो कम होता है। आप वैसे हिसाब लगा लो, अगर 3,000 रुपये रेट है घर साफ करने का तो मतलब 100 रुपये हुआ, आप खुद 100 रुपये में कुछ नहीं करो, ठीक है। तो द पे इज लेस, बुखार बुमार कोई नहीं, पैसे तभी मिलेंगे, पे अच्छा पे कम है। उसके बाद उनको जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि बुढ़ापे में क्या होगा, कुछ नहीं, पैसे जितने थे उतने सारे खर्च हो गए। तो सोशल सेफ्टी नेट्स बिल्कुल नहीं है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स बिल्कुल नहीं है, सो दैट हैज टू बी देयर, ठीक है। देन देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट इसके लिए लाया गया था। सो दैट इज वन डोमेन जो ये है, एंड द डोमेस्टिक हेल्प फाइंड्स इट वेरी, जो मतलब जो पेड वर्क है बट स्पेशली इन द इनफॉर्मल सेक्टर, दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सेस राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स एज एट वर्क, ठीक है, तो ये उनको प्रॉब्लम होती है। और दूसरा आता है जो अनपेड वर्क, जो रिकॉग्नाइज ही नहीं होता कि वो क्या कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। इमेजिन ना, वर्किंग वुमेन तो घर आती है फिर काम कर रही है, या बच्चे हैं तो उस पर काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वी नीड टू रिकॉग्नाइज द अनपेड वर्क ऑल्सो। और जब हम अनपेड वर्क की बात में करते हैं, हमें कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करने चाहिए, कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करने चाहिए। जैसे कि हम लोग स्पेशल केयर लीव हो सकता है कि भाई आज जरूरी था, ये काम था, वो था, स्पेशल केयर लीव्स, मेटर्निटी बेनिफिट्स जो हम देते हैं हमारी कंट्री में एज कम्पेयर टू जो ILO ने बोला है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उससे बेटर है। एंड पेटर्निटी, क्योंकि डिविजन ऑफ वर्क भी होना चाहिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनपेड वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So we actually we need to recognize कि work हो रहा है, then we need to reduce जो ये unpaid work है उसको कम करना है, and then कम कैसे होगा, जब हम redistribute करेंगे उसको, नहीं तो चलता ही रहेगा काम, है ना। काम कम करने का तो कोई तरीका नहीं बताया, reduce करने का तो तभी होगा जब burden share होगा वो दोनों के बीच में, या with the entire family, right? So this has to be done. So maternity benefits, paternity. अब हमारी country में maternity भी है, ठीक है, वो थोड़ा बेटर है, 24 हफ्ते का है यहाँ पे, एंड 6 मंथ्स हो जाता है बेसिकली। पेटर्निटी का जो है, पेटर्निटी नहीं देते, पेटर्निटी नहीं है, तो लोग प्रेगनेंसी हुआ तो यू हैव अ चाइल्ड, सो समवेयर इट रिफ्लेक्ट्स कि आदमी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है काम करना। और मिनिस्टर ने यही बोला था उस टाइम पे दैट वी डोंट, अगर आदमी को काम मिले तो घर पे टीवी देखेंगे, तो उसको कोई फायदा नहीं है, तो आपने स्कोप ही नहीं दिया काम करने के लिए। सो पेटर्निटी हैज टू बी देयर, so some sort of contribute करने दोगे तो होगा ना। तो maternity, paternity and special care leaves, in fact अगर हम ILO के standards भी देखते हैं
तो वहां पे भी द नंबर ऑफ लीव्स दैट आर प्रोवाइडेड फॉर पेटर्निटी वो बहुत कम है, एज जो रिकमेंडेड है बहुत कम है एज कम्पेयर टू द मेटर्निटी. तो यहीं पे बता रखा है मेटर्निटी में इंडिया में 26 वीक्स मिलते हैं, सॉरी आई सेड 24 अर्लियर, सो 26 वीक्स मिलते हैं एंड आईएलओ का रिकमेंडेशन है 14. आईएलओ आई होप यू नो यूनाइटेड नेशंस का एक स्पेशलाइज एजेंसी है फॉर द वेलफेयर ऑफ द लेबर, सो दैट इज देयर. ठीक है, तो ये एक चीज है यहाँ पे. दूसरी चीज है दैट वी नीड टू लुक एट बेटर वर्क कंडीशंस फॉर केयर इकोनॉमी. वी कैन हैव क्रैशेस, क्रैशेस हो सकता है इन फैक्ट्रीज वगैरह जहाँ पे लोग काम करते हैं, वर्कर्स वहां पे हो सकते हैं. देन वर्किंग कंडीशंस ऑफ द क्रेशर, वर्किंग कंडीशंस ऑफ द वर्कर्स दैट कैन बी इम्प्रूव्ड अपॉन. ये जो एडहॉक बेसिस पे जो हायरिंग होती है ये बात सही नहीं है. इनफैक्ट गवर्नमेंट खुद एडहॉक बेसिस पे हायर करती है जबकि उनको पता है कि आशा वर्कर्स है, आंगनवाड़ी वाले हैं, ये परमानेंट है, पर फिर भी उनको एडहॉक बेसिस पे हायर करते हैं ताकि गवर्नमेंट को चाहती है कि हमें जितना काम है उतने उसके हिसाब से पैसे दे, ये नहीं कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स या वो सब प्रोवाइड करे जबकि वो पूरा टाइम और उससे एडिशनली काम कर रहे होंगे. राइट, सो दिस इज अ थिंग, द सेक्सुअल हैरेसमेंट, दीज आर सर्टेन इश्यूज दैट नीड्स टू बी लुक्ड इनटू. अब और क्या कर सकते हैं आप ना, एक्चुअली जब हम पढ़ रहे होते हैं ना यूपीएससी के लिए, बस ये चीज है कि हमें ये नहीं जानना कि क्या क्या हो रहा है, हमें पॉलिसी मेकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि व्हाट करेक्टिव एक्शंस और ये प्रॉब्लम है इसको सोल्यूशन क्या होगा, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर उस पॉइंट ऑफ व्यू से या पॉलिसी मेकर हमें सोचना आना चाहिए. तो ये कह रहे हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसका जो बजट है हेल्थ केयर में, दैट इज 1% ऑफ इट्स, इंडिया स्पेंड लेस देन 1% ऑफ इट्स जीडीपी ऑन केयर इकोनॉमी. और मेरे को पता है वो हेल्थ केयर की बात हो रही है यहाँ पे, पब्लिक हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर तो बहुत कम है ये. वी नीड टू स्पेंड मोर. ये हो सकता है मेटर्निटी बेनिफिट्स के लिए जो पैसे दे रहे हैं वो भी हो सकता है, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना जैसे है या और भी कोई स्कीम्स है उसमें आउटले हो सकता है, इम्प्रूव हो सकता है. क्रेशे स्कीम, हमारे पास एक क्रेशे के लिए स्कीम भी है. तो वी नीड टू स्पेंड मोर, बेसिकली स्पेंड नहीं करेंगे तो कहाँ से होगा. ठीक है, दिस इज देयर. देन वी नीड टू मेक अ स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान कि हम कैसे इम्प्रूव केयर पॉलिसीज इनको प्रोवाइड कर सके हम लोग. और यहाँ पे बात कर रहा है कि हमें एक 5R फ्रेमवर्क पे काम करना चाहिए जो आईएलओ ने दिया है, 5 R's. तो आप ऐसे याद कर सकते हैं 5 R's ऑफ केयर इकोनॉमी क्या है. वो कह रहा है कि 5 R है आपका, पहली बात है रिकॉग्निशन, रिडक्शन, रिडिस्ट्रीब्यूशन, 3 R तो यही हो गए, ये आपको मैंने बताया था, ऑफ अनपेड केयर. देन प्रमोट रिवॉर्डिंग, तो रिवॉर्ड करना जो केयर वर्कर्स है उनको रिवॉर्ड करना कैसे, बाय प्रोवाइडिंग देम डिसेंट वर्क कंडीशंस एंड रिप्रेजेंटेशन इन सोशल डायलॉग एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग. ठीक है, तो ये आपके 5 R हो गए. तो कलेक्टिव बार्गेनिंग, बिकॉज डोमेस्टिक वर्कर्स को देख लो, दे विल नॉट गेट गुड रिटर्न फ्रॉम वेयर एवर दे वर्क, दे टेंड टू गेट एक्सप्लॉइटेड. तो जब तक कलेक्टिवली बार्गेन नहीं कर पाएंगे मार्केट तो नहीं देगा, जब तक कलेक्टिवली नेगोशिएट नहीं कर पाते तब तक आपको फेयर प्राइस नहीं मिलता है यहाँ पे. ठीक है, सो दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट नीड्स टू बी लुक्ड इनटू, रेक्टिफाइड. सेंसिटिव सब्जेक्ट शुड बी डिस्कस्ड. हाँ जी, ये इग्नोर कर दीजिए इसको, ये यूक्रेन वॉर और ये सब के बारे में, मैं सिर्फ एथिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ GS4 के पॉइंट ऑफ व्यू से. और आप सोचिए एथिक्स, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें वैल्यूज के बारे में बात करता है एंड रोल ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इनकल्केटिंग values. तो sensitive subject should be discussed in the class. और teachers, क्यों? देखो human being है, ठीक है, a human being, तो बच्चा है जो, वो immediately तो अपने family के influence में रहता है, parents के influence में रहता है, तो जिसकी जैसी family वैसा influence. ये नहीं कि खराब सिखा रहा है पर वही influence है उसका. अब मान लो घर के अंदर gender issue है, patriarchy हमारे सबके अंदर है, तो वो उस बात पे कोई अनकंफर्टेबल टॉपिक है नहीं बात करेंगे उस पर. या किसी के रिलीजियस बिलीव्स कुछ है और वो बोले कि नहीं ये यही ऐसा था ही है, दूसरे में ऐसा नहीं थी, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, हर एक का अपना अलग अलग होता है सिस्टम. तो जब वो स्कूल में आते हैं, स्कूल को ऐसा भी कह देते हैं कि इट इज द माइक्रोकॉस्म ऑफ द रियल वर्ल्ड, बिकॉज स्कूल में लोग, बच्चे अलग अलग लोगों से मिलते हैं, दे आर नॉट इन द सेम प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट जहाँ पे कुछ होगा, है ना. तो फैमिली उस एनवायरनमेंट में नहीं है वो, तो स्कूल में आते हैं, वहां पे एक अलग एनवायरनमेंट होता है, करिकुलम के बेसिस पे पढ़ाई होती है. तो यहीं पे
देयर इज अ नीड कि हम सेंसिटिव सब्जेक्ट्स पे बात करें जो हमारी सोसाइटी में सेंसिटिव है. कैसे, कौन से हो सकते हैं? व्हाट अबाउट द इशू ऑफ कम्युनलिज्म, कम्युनल थिंकिंग, रिलीजन, या टू ब्रिंग अबाउट द एस्पेक्ट ऑफ टॉलरेंस, है ना? तो ये कुछ वैल्यूज है जो हम इंकल्केट कर सकते हैं, सेंसिटाइज द पीपल ऑफ द अबाउट द कल्चर्स ऑफ द डिफरेंट पीपल. और जब सेंसिटाइज की बात करनी है, हमें पता है हमारी सोसाइटी में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है. सो इतने सालों से है, हजारों सालों से है, वो ऐसे तो नहीं जाने वाली. तो कहीं ना कहीं हमें सेंसिटाइज करना पड़ेगा. घरों में शायद ये बात ना हो, स्कूल में होनी चाहिए. तो कास्ट, लाइकवाइज जेंडर. So we need to look at these sensitive issues, sensitive subjects, to create better values amongst human beings. उसको हम क्या बोलेंगे? Value education. Now next, moving on to belated pivot. हाँ जी, कौन सा belated pivot है यहाँ पे? तो pivot ये बात कर रहे हैं ना, ये बात कर रहे हैं RBI के point of view से. और RBI का आपको पता ही होगा कि RBI की एक monetary policy committee होती है, जिसका काम है monetary policy बनाना. और monetary policy का एक basic काम था कि वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग करेंगे, इन्फ्लेशन टारगेटिंग करेंगे. और क्या टारगेट रखा था? टारगेट रखा था कि इन्फ्लेशन रहेगा बिटवीन 4 to 4 ± 2%. ठीक है, तो ये टारगेट रखा हुआ था. अब बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, ये सारा जो कलेश पड़ा है अभी पूरे दुनिया के अंदर, तो ये पैंडेमिक की वजह से सिचुएशन अच्छी नहीं रही है. तो इंडियन इकोनॉमी भी ठीक नहीं है. आप श्रीलंका पाकिस्तान देखो तो क्या हालत है. तो आरबीआई बोल रहा था, देखो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक अकोमोडेटिव स्टांस लेना चाहिए. अकोमोडेटिव स्टांस क्यों? कि अकोमोडेटिव स्टांस लेके हम ग्रोथ को प्रायोरिटी दे एट दिस पॉइंट कि इकोनॉमी में प्रॉब्लम है. तो हम ऐसा करते हैं, क्रेडिट सप्लाई करते हैं, सस्ता पैसा प्रोवाइड करते हैं. तो वो पैसा प्रोवाइड करेंगे, उसे वो इन्वेस्ट करेगा उद्योगपति, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में और लोग काम करेंगे. तो कैपेसिटी क्रिएशन ऑफ द इकोनॉमी विल टेक प्लेस, जीडीपी विल इंक्रीज, एम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज. सिंपल लॉजिक यहाँ पे. लेकिन तो उन्होंने ये जो गोल था उनका, जो पहले का जो एक तरह से पिवट हो जाए, जैसे बास्केटबॉल में होता है ना, एक पैर पिवट हो गया, उधर से हिलना नहीं हमने, बाकी जो मर्जी करते रहो. तो एक पिवट दे दिया था कि आपको 4 से ये टारगेट है इन्फ्लेशन का, आपको इससे बियॉन्ड नहीं जाना कैसे भी हालत में. ठीक है, तो ये उनको टारगेट यहाँ पे दे रखा था यहाँ पे. तो आरबीआई पिवट से हट गया, एक तरह से फाउल है. बास्केटबॉल में तो फाउल होता है, पिवट पैर हटा दिया आपने, फाउल हो गया. तो पिवट से वो हट गया है बेसिकली. अभी अब आरबीआई बोल रहा है कि गिवन कि अभी जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, 6% को ब्रीच कर चुकी है काफी सस्टेन टाइम से, ऊपर से ये क्रूड प्राइसेस इतनी ऊपर चली गई है. ठीक है, अब आप बोल दो कि यूक्रेन वॉर था, पर उससे पहले भी इन्फ्लेशन के फिगर्स बहुत ऊपर ही थे. ठीक है, तो ये इन सिचुएशंस में आरबीआई अब कह रहा है कि देखो हमें वापस अपने पिवट पे आना पड़ेगा. पिवट क्या था? दैट वी विल फोकस ऑन इन द सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटीज वी हैव नाउ पुट इन्फ्लेशन बिफोर ग्रोथ. कि अब हम इन्फ्लेशन पे टारगेट करेंगे बिफोर ग्रोथ. सो वी आर विड्रॉइंग द स्टांस ऑफ अकोमोडेशन. हमें इन्फ्लेशन पे टारगेट करना पड़ेगा बिकॉज प्राइस स्टेबिलिटी के बिना इन्फ्लेशन इकोनॉमी में सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं हो सकता. समझ आ गया? प्राइस स्टेबिलिटी के बिना इकोनॉमी में एक सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं हो सकता. इट्स अ नेसेसरी प्री कंडीशन टू सस्टेनेबल ग्रोथ. तो ये अभी आरबीआई ने बोला है. और मैं बोलता हूँ आपको, आप ऐसा करो, इस पे ना एक कमेंट लिख के इसको आंसर लिखो, इसको क्यों इट इज अ प्री कंडीशन. इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो चीजें महंगी हो रही है, चीजें महंगी होंगी तो रॉ मटेरियल महंगा होगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनीज कम होंगी. दे मे बी इनकॉम्पिटेंट, नॉट एज कॉम्पिटिटिव एज कम्पेयर टू द ग्लोबल मार्केट्स, अगर वो बेटर मैनेज कर पा रहे हैं. सो इट इज नॉट गुड फॉर द इकॉनमी. अच्छा, चीजें महंगी होंगी तो लोगों को पैसे ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे, पैसे ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे तो इट विल लीड टू इम्पॉवरिशमेंट. जो ज्यादा गरीब लोग हैं वो डेस्टिट्यूशन में चले जाएंगे. सो इट इज नॉट सस्टेनेबल. अच्छा, आप एक चीज और सोचो, 100 रुपए की अगर आप एक चीज अभी 100 रुपए का ले रहे थे और अब आपको 110 या 115 रुपए स्पेंड करना पड़ रहा है, तो ऐसा कह सकते हैं कि रुपी की जो वैल्यू थी, रुपी से जो आप खरीद सकते थे उसकी वैल्यू अंडरमाइन हो गई है. सो इट लीड्स टू द डीवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी इटसेल्फ. सो
प्राइस स्टेबिलिटी इज अ मस्ट, इट्स अ प्री कंडीशन फॉर टू सस्टेनेबल ग्रोथ, क्योंकि इसके बिना सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं हो सकती. कुछ टाइम तो कह दोगे पर पैसे नहीं हो सकते वहां पे. ठीक है, तो ये था हमारा ये एडिटोरियल, एंड दिस बेसिकली कंक्लूड्स आवर एडिटोरियल एंड ओपिनियन एनालिसिस. सो थैंक यू फॉर स्ट्रीमिंग इन टू निम्बस आईएएस विद मी शुभाशीष. बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट.